प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और उसके बाद में अगले दिन 23 तारीख को अमूल के उसी प्लांट का लोकार्पण करेंगे जिसका शिलान्यास उन्होंने 2 साल पहले किया था। अमूल प्लांट के बनारस डेयरी के चेयरमैन शंकर चौधरी से डीडी न्यूज ने खास बातचीत की है, क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनाते हैं। मेरे साथ हैं शंकर भाई चौधरी जी जो बनास डेयरी के चेयरमैन हैं। बनास डेयरी यानी अमूल और अमूल के प्रोडक्ट्स से हम परिचित हैं, पूरे देश में सप्लाई होती है, लेकिन खास इसलिए है ये बनास डेयरी कि यहाँ पर इसका आधारशिला यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने रखी थी। शंकर भाई, ये इसको हम कैसे माने कि जो आपने आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी और आज इस जगह हम आ गए हैं कि इसके आप लोकार्पण करना है प्रधानमंत्री को, तो इसको आप कैसे? पूरे पूर्वांचल में एक दूध क्रांति की शुरुआत हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में बसी महिलाओं वो आत्मनिर्भर कैसे बने, उनको दूध की प्राइस कैसे मिले, वो पशुपालन के व्यवसाय को एक व्यवसायिक तौर पर कैसे ले सके, जैसे गुजरात में 25 लाख 50 लाख करोड़ करोड़ तक महिलाएं इकोनॉमी एक एक साल में कर सकती है दूध के व्यवसाय से, तो यहाँ पर भी आत्मनिर्भर कैसे महिलाएं वैसे हो सकती है, ये कल्पना जो मोदी जी की है यहाँ पर साकार होने जा रही है। आपका उद्देश्य इसको कहाँ तक पहुँचाने का है जो यहाँ के उत्पाद हैं, जो मिठाई हैं? मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि बनारस का रस वो पूरे दुनिया में कैसे पहुँचे। मैं मानता हूँ कि एक वैश्विक फ्लग पर ये बनारस की जो स्वीट है, खास करके भारत की मिठाई है, रसगुल्ला हो, काजू कतली हो, ये सब भी वहाँ तक पहुँचेगी, दुनिया तक पहुँचेगी। ये वाराणसी के जो किसान हैं उनको आपका जो ये अमूल का उद्यम लगा है ये किस तरह से लाभ पहुंचाएगा और किसानों की आय में किस तरह का इजाफा होगा? एक तो उनको पर्याप्त प्राइस भी मिलेगी, इनके अलावा कंटिन्यू हर रोज दूध जितना भी है उतना दूध बनास अपने गांव में उनके गांव में कलेक्शन करेंगे हम गांव की समिति के माध्यम से, व्यावसायिक तौर पर वो आत्मनिर्भर बने। 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपया का भी दूध महिलाएं गांव में अपने घर पे कैसे बरवा सके, वहाँ तक हमें पहुँचाने का प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उनको साकार करने का काम बनास डेयरी कर रही है। श्वेत क्रांति का एक भाग्योदय प्रधानमंत्री जी ने पूरे पूर्वांचल में कर दिया है और उनकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री ने श्वेत क्रांति की शुरुआत कर दी है और लोकार्पण के साथ ही पूरे पूर्वांचल को इसका लाभ मिलेगा, इस अमूल के कंपनी का जो खुल रहा है, साथ ही किसानों के लिए जो किसान महिलाएँ हैं उनके लिए रोजगार के बड़े अवसर और आय भी बढ़ाने का काम करेगा यह बनास डेयरी काशी में। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम।